सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टेक्नोज मोबाइल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए हमारे सारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो वेल तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नोज मोबाइल में। और आज की वीडियो में गाइस अपन बात करने वाले एक और नई रॉम के बारे में भाई, जो कि अपन को यहाँ पे मिल रही है। पिक्सल की एक रॉम मिल जाती है भाई, ये पिक्सल की प्लस रॉम मिल रही है गाइस। इस वीडियो में भाई मैं आपको बताने वाला ये जो रॉम है भाई, ये सारी क्या खास फीचर्स इसमें है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला। एंड्रॉइड 13 पे बेस मिल जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस वाला फिनिक्स पे मिल रहा है। तो अनऑफिशियल दोस्तों ये वर्जन मिल जाता है। इसके बारे में भाई ये क्या खास रॉम है, यूज करनी चाहिए या नहीं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको इसका बूट एनिमेशन दिखा देता हूं। यहां पे दोस्तों बूट एनिमेशन आपको वही नॉर्मल गूगल वाला देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा भाई बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आपको इस तरीके की लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पे ओपन करने में भाई ये सामने आपको फोन दिख रहा है। चलते हैं गाइस सबसे पहले सेटिंग्स में लेके चलते हैं आपको, और यहाँ पे चलते हैं अबाउट फोन में। तो अबाउट फोन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे अबाउट फोन एंड एंड्रॉइड वर्जन की बात करिए, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 देखने को मिलता है। माई का अपडेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड कर्नल वर्जन यहाँ पे 4.14 प्योर KSU वाला मिल जाता है। यहाँ पे भाई पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का जो एक्सटेंडेड है, ये अनऑफिशियल रॉम आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे गाइस, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। स्टोरेज की बात करते हैं सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे, तो स्टोरेज अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम ने 15 GB लेकर रखा है। ऐप्स कौन से भर गए, ऐप्स कुछ डाले नहीं है, गूगल ऐप बिना मतलब पे पहुंच गया गाइस बताऊं। तो यहाँ पे दोस्तों सिस्टम ने 15 GB लेकर रखा है, जो कि भाई सारी रॉम्स ले रही है। मेरे को नहीं पता चल रहा है कितनी रॉम क्यों ले रहा है भाई। मैंने वो वाली चेरिश ओएस देखी, वो उसमें सारे ज्यादा कस्टमाइजेशन एंड ऑल सारी चीजें थी, स्टिल उसने इतना ज्यादा नहीं लिया था। बाकी दोस्तों सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे बटन्स वगैरह में भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, एज लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड पावर बटन एंड कॉल क्विक टॉर्च वेक डिवाइस फलाना टिकाना। एंड यहाँ पे स्टेटस बार में भी आपको मिल रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर आप सेट कर सकते हैं, सिस्टम आइकन वगैरह आपको जैसे आइकन जो चाहिए आप चाहते हैं यहाँ पे ऑप्शन शो या करें या नहीं, और भी भाई शो सेकंड्स है, AM/PM भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने सेट करके रखा है, बैटरी स्टेटस स्टाइल बैटरी परसेंटेज सारी आपको यहाँ पे फीचर वो वाले मिल रहे हैं। सारे तो और एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिलते जो बेसिकली और रॉम से थी, बट ये आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है पिक्सल में ये सारे आपको ऑप्शन जरूर में देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड ही आपको देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे को गलत लगा भाई। प्ले स्टोर एटलीस्ट सर्टिफाइड मिले, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैंने दोस्तों अभी मैंने कोई और लेटेस्ट वाली रॉम्स मैंने अभी नहीं टेस्ट करी, मैं पुरानी से पुरानी रॉम्स से वापस आ रहा हूँ, मतलब मैं लेके आ रहा हूँ ऐसा। तो मैं पुरानी रॉम्स को पहले लाऊंगा, रिव्यूज लाऊंगा, और जो लेटेस्ट रॉम्स है उनके लेट रिव्यूज आएंगे तो मैं उनको देखूंगा वो सर्टिफाइड होती है नहीं। बट अभी जितनी मैंने रॉम्स देखी दोस्तों सर्टिफाइड नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही गाइस आप बताना कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं भाई कैमरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे यू लाइका वाला आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा कैमरा है भाई, नॉट बैड। और भाई 64 MP कमजोर थोड़ी ना है भाई, एक टाइम का किलर फोन है ये। बात करिए दोस्तों परफॉर्मेंस की भाई, तो चलते हैं परफॉर्मेंस में। एनटीटू बेंचमार्क स्कोर में जब घुसेंगे अपन भाई, तो यहाँ पे दोस्तों एनटीटू बेंचमार्क स्कोर बहुत ही बेकार देखने को मिला है। यहाँ पे सीपीयू का स्कोर देखेंगे 1 लाख मिला है अपन को, जीपीयू का 71,000, एमईएम का 67,000, टीवेक्स का 81,000। टेम्परेचर राइज 34 से 39 पहुंचा, ठीक है कमी है टेम्परेचर, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ इसके बाद। बट यहाँ पे दोस्तों 7% रेन काफी ज्यादा है मेरे हिसाब से तो। एंड करेंटली इसका टेम्परेचर चल रहा है 40°C। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सीपीयू थ्रॉटलिंग का स्कोर भाई क्या आया है। सीपीयू थ्रॉटल यहाँ पे दोस्तों सीपीयू थ्रॉटल दिखाता हूँ, स्टार्ट कर रहा था अपन ने, बैटरी टेम्परेचर 39.5°C पे, बैटरी थी 85%। एंड भाई यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो गई, कितनी पहुंच गई 558 तक चला दोस्तों, 10.5 लगभग 11 मिनट चला, यहाँ पे 80% बैटरी आ गई। यहाँ पे स्कोर मेरे को इसलिए कम देखने को मिला क्योंकि मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक यहाँ पे 1.80 GHz का मिला, 2.20 GHz पे होता दोस्तों क्लॉक स्पीड होती तो आई गेस कि अपन को वापस से स्कोर वही मिल जाता, 2,60,000 समथिंग के पास आता, जो कि काफी अच्छा स्कोर रहता। तो इसमें आपको गेमिंग वगैरह करने में मजा आता, हालांकि बैटरी ड्रेन दोस्तों मेरे को काफी ज्यादा लगी भाई इस रॉम में। मेरे को समझ नहीं आ रहा यही रॉम भाई, ये सारी कस्टम रॉम्स में इतनी ज्यादा बैटरी ड्रेन की हो रही है। खैर यही थी भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस वाली सारी चीजें हो गई, प्ले स्टोर भी आपको दिखा दी सारी ऐसी। आप यूज करते हैं दोस्तों, आपको यूज करना या नहीं आप बताना गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो सारी चीजें भाई, आप ये कस्टम रॉम आपको कैसी लगी है। सबके लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी हर चीज की, मैंने नई जी एप्स वगैरह अगर फ्लैश करते हैं अलग से वनीला वगैरह भी, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी गाइस, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मेनली टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक करें शेयर करें।
करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई जानकारी वगैरह चाहिए, कोई भी क्वेरी वगैरह रहती तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन मैंने इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक हर चीज की लिंक दे के रखी है, आप वहां से मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।